हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरण, यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में तब से आ रहा है जब से सीयू का नोटिस पब्लिश किया गया है उनका टाइम को लेके कि 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा। एंड अदर यूनिवर्सिटीज का भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था जब से यूजीसी का 24 आवर्स का कैंसिल करके 2 to 3 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है एग्जाम देने के लिए। 24 आवर्स को एग्जाम नहीं बोला जा रहा है यूजीसी की तरफ से। तो इसको लेके स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो में होपफुली मैं क्लियर कर पाऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वन बाय वन जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपने पूछा है, उसके बाद वो क्वेश्चंस का आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने पूछा है वो है, पहला, सीयू ने जो बोला है उनका ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, तो अभी क्या उनके ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा? क्योंकि बहुत सारा चैनल्स में एंड बहुत सारा न्यूज़पेपर में ये बोला जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, अभी बोला जा रहा है ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, तो क्या होगा अल्टीमेट? एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो लोग बोले थे ओपन बुक एग्जाम होगा 24 आवर्स का सीयू के बाद, उनका भी क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि सीयू के तरफ से, कैलकटा यूनिवर्सिटी के तरफ से एक बार भी ये जो टर्म है ओपन बुक एग्जामिनेशन बोला नहीं गया है। ये न्यूज चैनल्स एंड न्यूज पेपर्स ने बार बार बोला है कि ओपन बुक एग्जाम बोला जा रहा है क्योंकि 24 आवर्स टाइम दिया जा रहा है। दो चीज आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे भी थे, पर अभी फिर से उनका कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि ये चैनल के साथ साथ वो लोग और भी बहुत सारे चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, तो सब मिलके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए, इसमें आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप ये समझिए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सीयू के तरफ से डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला गया था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होगा। सीयू के तरफ से बोला गया था ऑनलाइन एग्जाम होगा, मैंने इसके ऊपर बोला भी था प्रीवियसली, ऑनलाइन एग्जाम होगा पर 24 आवर्स टाइम दिया जाएगा, आप ऑनलाइन एग्जाम्स ठीक ठाक से दे सकते हैं। ये टर्म नहीं बोला गया था ओपन बुक एग्जामिनेशन, पर स्टूडेंट्स इसको ओपन बुक एग्जामिनेशन एज ओपन बुक एग्जामिनेशन ही ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 24 आवर्स टाइम मतलब किसी भी तरीका का ये जो वर्चुअल आप बोल सकते हैं निगरानी होता है, मतलब ऑनलाइन इन्विजिलेशन, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है। तो ये 24 आवर्स का अगर ये नहीं हो, क्योंकि अभी तक सीयू का सिर्फ एक ही कोर्स ने बोला है माइक्रोबायोलॉजी पीजी कोर्स, उसके अलावा कोई भी ऐसा कोर्स आपका ये जो ऑनलाइन इन्विजिलेशन होगा इसको लेके कुछ नहीं बोला है। तो इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि हम लोगों के पास 24 आवर्स टाइम है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल का हेल्प इजीली ले सकते हैं। तो कॉलेज से ऐसा नहीं बोला गया, यूनिवर्सिटी से ऐसा नहीं बोला गया सीयू की तरफ से, पर स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते थे, स्टूडेंट्स वो कर सकते थे। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं बोला गया सीयू का, सीयू का जो स्टूडेंट्स है उनके पास ही राइट था कि वो अगर चाहते थे तो बुक्स का हेल्प ले सकते थे। इसीलिए ये जो टर्म है ओपन बुक एग्जामिनेशन ये बार बार आ रहा था। पर इस टाइम के अंदर ओपन बुक एग्जाम लेना पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ओपन बुक एग्जाम तो आपका नहीं हो रहा सीयू का, ये कंप्लीट आप पकड़ लीजिए, सीयू की तरफ से ऐसा नहीं बोला गया है, क्योंकि एक बार भी सीयू से ये नहीं बोला गया है कि आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स के पास टाइम था, स्टूडेंट्स के पास आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी था, स्टूडेंट्स इसको ओपन बुक एग्जाम एज ओपन बुक एग्जाम पकड़ सकते थे, तो यहाँ पे चांस था। तो अभी भी सीयू की तरफ से एक ही चीज बोला गया है कि ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगा जैसे प्रीवियसली बोला गया था, पर अदर यूनिवर्सिटीज के लिए केस थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी सीयू से बोला गया है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम ही आप देंगे। तो इस टाइम के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, आपके पास हो सकता है टाइम रहे, आपके पास हो सकते हो अपॉर्चुनिटी रहे कि आप बुक्स का, नोट्स का, आप बोल सकते हैं स्टडी मटेरियल का हेल्प ले, पर टाइम आपके पास बहुत ही कम रहेगा। इस टाइम के अंदर कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे विद इन दैट टाइम आप एग्जाम देंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि विद इन दैट टाइम ओपन बुक एग्जाम देना बहुत ही टफ है। आप ये मेरा बात आप मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी जगह पे बुक का कहाँ पे क्या है आपको एकदम याद नहीं है, किस चैप्टर में कहाँ पे किस लाइन में बोला गया है, वो ढूंढने के वजह से आपको जो टाइम लॉस होगा आपका 10-12 क्वेश्चन और भी लॉस आप हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसको लिए आप पकड़ सकते हैं कि आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो इस बार आपका
नहीं हो रहा, तो ये बेसिस पे आप पकड़ सकते हैं आपको ओपन बुक एग्जाम नहीं हो रहा सीयू के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको बताया। अब अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका आप बोल सकते हैं एनबीयू हो गया, अदर जो जो यूनिवर्सिटीज है जहां पे क्लियरली बोल दिया गया था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होगा, उनका नोटिस में भी बोला गया था ओबीई मोड में एग्जामिनेशन होगा, तो उनके लिए बता देता हूं यूजीसी की तरफ से ये बोला गया है कि यूजीसी ये अप्लाई करते हैं, यूजीसी ये छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटीज को कि आप अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम, आप चाहते हैं तो ओपन बुक एग्जाम ले सकते हैं। तो जो जो यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम बोले थे वो अगर चाहते हैं नेक्स्ट नोटिस में ओपन बुक एग्जाम ही रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से इसको आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं छोड़ दिया गया है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करने दीजिए, यूनिवर्सिटी को डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे एग्जाम लेना है। ओपन बुक अगर चाहते हैं तो ओपन बुक भी आप ले सकते हैं, पर टाइम जो है 24 आवर्स आप नहीं दे सकते। तो होपफुली अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन बुक एग्जामिनेशन लेंगे, पर मैं बोलूँगा 2 to 3 आवर्स के एग्जाम में आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन किसी भी तरीके का काम आपको नहीं आने वाला है। हाँ, किसी बड़ा क्वेश्चन आपको याद नहीं है या फिर याद आ गया किस पेज में आपका वो क्वेश्चन है तो आपका थोड़ा काम आ सकता है, पर अदरवाइज आपको कोई भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि विद इन दैट टाइम आप बुक खोज के ढूंढ के आंसर लिखने में आपका जो टाइम वेस्ट होगा आप 2-3 और क्वेश्चन उसमें से लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सिटीज़ कुछ और बोले हैं, स्टूडेंट्स कुछ और समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है ये बेसिकली सीयू के लिए, एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी उनके यूनिवर्सिटी से बोल दिया गया था ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बुक खोल के स्टडी मटेरियल खोल के लिख सकते हैं, पर आपका टाइम वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, तो अगर आप कन्फर्म हैं तभी ये आप बोल सकते हैं रिस्क आप लीजिए, अदरवाइज ये रिस्क लेना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है अभी आप लोगों के पास। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे न्यूज़पेपर से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सीयू की तरफ से एंड अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से, कि आपका ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये क्या एमसीक्यू मोड में लिया जाएगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम दिया जा रहा है, या फिर कैसे लिया जाएगा, क्वेश्चन पैटर्न आपका कैसा होगा। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न आपका एमसीक्यू होगा, कैसा होगा जब तक आपका नोटिस नहीं निकल जाता तब तक क्लियर नहीं होगा, पर अभी के लिए जितना न्यूज़ चैनल से, जितना न्यूज़पेपर से पता चल रहा है, जैसे कैलकटा यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे। सपोज पकड़ लीजिए पहला नंबर का जो पहला आपका सेक्शन ए है पकड़ लीजिए, तो सेक्शन ए का आपका 10 क्वेश्चन आपको करना पड़ता था विद इन, आप बोल सकते हैं 15 क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन करना पड़ सकता है, तो वो 10 क्वेश्चन में अभी हो सकता है आपको 5 क्वेश्चंस करने के लिए बोला जाए और नंबर आपका जो सेम ही रखा जाए कि ये नंबर ही आपका रहेगा, यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन है या फिर 15 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन आप कीजिए, मतलब आपका क्वेश्चन का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा रहा है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। पर एमसीक्यू मोड में होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई भी क्लियरेंस अभी तक नहीं बोला गया है, तो ये भी आपका कन्फ्यूजन था, मैंने आपका क्लियर कर दिया। आपका एमसीक्यू मोड में होगा या नहीं होगा इसको लेके कोई भी कुछ चीज़ बोला नहीं गया है, मुझे नहीं लगता विद इन इस आप बोल सकते हैं ये जो कम टाइम स्पैन है इसके अंदर फिर से एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन तैयार करके आपका ये सब किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार है हर एक यूनिवर्सिटी का, तो उसमें हो सकता है आपका ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा दे दिया जाए एंड नंबर आपका सेम ही रखा जाए, तो ऐसा हो सकता है। मैंने आपको कैसा हो सकता है मैंने आपको बताया, एमसीक्यू होने का चांस हो सकता है इस टाइम के अंदर कम है, क्योंकि अगर एमसीक्यू एग्जाम लेना चाहते हैं तो फिर से उनको क्वेश्चन सेट करना पड़ सकता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन था मैंने आपका क्लियर कर दिया। और थर्ड क्वेश्चन था कि ऑनलाइन इन्विजिलेशन होगा या नहीं, अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी से ये एक बार भी नहीं बोला गया है कि ऑनलाइन इन्विजिलेशन होगा, तो उसका चांस बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर आप पकड़ सकते हैं। सिर्फ सीयू का पीजी का माइक्रोबायोलॉजी का एक कोर्स है जहाँ पे बोला गया है ऑनलाइन इन्विजिलेशन होगा, और होपफुली 24 आवर्स में जहाँ पे होगा बोला गया था, होपफुली 2 आवर्स या 3 आवर्स का अगर एग्जाम हो तो वहाँ पे भी होगा। और जहाँ पे 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, इतना नंबर का आंसर लिखना है, 2 आवर्स टाइम है, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन इन्विजिलेशन होगा, क्योंकि उसमें भी 10-20 मिनट्स तो वेस्ट होता है, तो ये लेना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। और होपफुली अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी से ऐसा नहीं बोला गया है तो होगा आपका नहीं, चांस बहुत ही कम है, तो आप डरिए बिल्कुल मत, आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो जो अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन में यहाँ पे आपका वीडियो में मैं आपको नहीं बोल रहा, सभी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा, पर आप सोच के वो यूज़ करना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही
कम रहेगा। तो ये जो डाउट्स है बहुत दिनों से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, होपफुली आपका क्लियर हो गया है। अगर फर्दर कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो का जय पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय।